नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना जिसकी आड़ में तिजोरी भरना। जी हाँ, कोरोना खा रहा है लोगों की जिंदगी और कुछ खाली कर रहे हैं सरकारी तिजोरी। होम आइसोलेशन पर मरीज पर कितना खर्च कर रही है सरकार, आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। संपूर्ण विश्व के समक्ष एक महामारी बनकर लोगों की जिंदगी लीड रही है कोरोना। कहीं पर लोग ज़्यादा मर रहे हैं तो कहीं पर हालात सामान्य हो रहे हैं। आपको बता दें कि देश में जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो अधिकारी कर्मचारी और कथित समाज सेवी कमाई का रास्ता भी तलाश लेते हैं। भूकंप जैसी आपदा में भी सरकारी मशीनरी राहत सामग्री तक खा जाते हैं। उत्तराखंड में एक बार तो कंबल ही खाए लिए गए थे। हरियाणा सरकार कोरोना की रोकथाम को लेकर के करीबन 345 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और एक मरीज पर करीबन 26,000 रुपए की राशि खर्च की जा रही है। होम आइसोलेशन में मरीज स्वयं ही ठीक हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग 1-2 हज़ार रुपये की राशि भी खर्च कर रहा है, तो बाकी की राशि का किस मद में, आखिरकार किसका पेट इससे भरा जा रहा है? सरकार को चाहिए कि एक जांच कमेटी बैठा करके इसका पता लगाया जाए, क्योंकि कोरोना की आड़ में एक बड़े घोटाले की बू भी आ रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हरियाणा सरकार कोरोना की रोकथाम और उपचार पर करीबन 345 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर चुकी है। रिपोर्ट ये भी कहती है कि एक कोरोना संक्रमित मरीज के उपचार पर एक सरकार करीबन 26,000 रुपए खर्च कर रही है। ये बात पूरी तरह से हजम भी नहीं हो रही है, क्योंकि खुद कोरोना की जंग जीत चुके लोगों का कहना है कि कोविड अस्पताल केवल नाम का अस्पताल है, जबकि डॉक्टर देखने भी नहीं आता। खाने की गुणवत्ता भी बदतर है, जो कि समय पर नहीं मिलता। वहीं दवाओं के नाम पर 2,000 रुपये की राशि खर्च की जा रही है, जबकि कोविड अस्पतालों में खाना भी समाज सेवी संस्थाओं द्वारा मंगवाया जाता है। इसके बावजूद सरकार कैसे एक मरीज पर 26,000 रुपये से अधिक की राशि खर्च कर सकती है? इसके पीछे एक बड़ा घोटाला साफ नजर आ रहा है। पहले एक कोरोना मरीज आने के बाद पूरे मोहल्लों को सील कर दिया जाता था। आज तो मरीज के दरवाजे पर ही बांस बांध कर कोरोना को बंधक बना दिया जाता है। जानकारी के अनुसार सरकार कल तक कोरोना संक्रमित मरीजों को और उनके उपचार पर करीबन 282 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर चुकी है। 117 करोड़ रुपए पीपीटी किट, मास्क और दवाओं पर खर्च किए गए हैं, यानी एक मरीज पर 26,355 रुपए की राशि खर्च की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 60% मरीज होम आइसोलेट में हैं। फिर खर्च कहां पर किया जा रहा है? सरकार हैंड सैनिटाइजर पर 5.5 करोड़ रुपए, N95 मास्क पर 3.78 करोड़ रुपए, PPE किट पर 33.93 करोड़ रुपए और दस्तानों पर 4.40 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इतना ही नहीं, कहा भी जा रहा है कि सरकार ने PPE किट तथा मास्क और ग्लव्स महंगी दरों पर खरीदे हैं, जबकि बाजार में काफ़ी सस्ती दरों पर ये मिल जाते हैं। सरकार को कोरोना बचाव एवं राहत कार्य पर निगरानी के लिए किसी ईमानदार अधिकारी की तैनाती करनी चाहिए, क्योंकि सरकार को भी पता चलना चाहिए कि घोटाला हो रहा है, लेकिन शायद वह अनदेखी कर रही है, क्योंकि सरकार पहले से काफ़ी घोटालों से परेशान है। वहीं राशन वितरण के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ। सरकार को कम से कम ऐसे घोटालेबाजों के हलक में हार डालकर हड़पनी चाहिए बाकी की राशि, क्योंकि हम आपको बता दें कि सरकारी बैंक में एक अधिकारी और बरनाला रोड पर उसकी बहन कोरोना संक्रमित हो गए थे। उन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने होम आइसोलेट कर दिया था। पहले एक दिन पर्ची पर 2,000 रुपये की दवाई का पता लिख कर चले गए, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके परिवार के अन्य सदस्यों के सैंपल भी नहीं लिए गए। इतना ही नहीं, कोई डॉक्टर भी देखने नहीं पहुंचा। मीडिया के माध्यम से दबाव डाला तो डॉक्टर ने फ़ोन करके हालचाल पूछा, जिसके बाद जल्द ही घर आने की बात कही, मगर डॉक्टर नहीं पहुंच पाए। बैंक अधिकारी की हालत बिगड़ी तो स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को इससे अवगत करवाया गया, जिसके बाद मरीज को शाह सतनाम अस्पताल में दाखिल करवाया। वही रानिया निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि वह भी कोरोना की चपेट में आ गया था।
जिसके बाद उसे जेसीडी के ट्रामा सेंटर में बनाए गए कोविड वार्ड में दाखिल करवाया गया था, जहां पर उसे कोई डॉक्टर देखने तक नहीं आता था। यहां तक कि कोई कर्मचारी भी उससे बात करने वाला नहीं था, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग राम भरोसे ही मरीज को छोड़ देता था। कुछ सरकारी कर्मचारी और सत्ता पक्ष से जुड़े लोग कोरोना की चपेट में आए थे। उनका कहना है कि जितना दावा किया जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मरीज को कोविड सेंटर में भेज करके उसकी सुध नहीं ली जाती, और यही वह वजह है कि मरीज रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी प्राइवेट अस्पताल की ओर रुख करते हैं। वहां पर कम से कम देखभाल तो अच्छी होगी। इतना ही नहीं, मरीज हर समय डॉक्टर की निगरानी में होता है, मगर धनवान व्यक्ति है तो प्राइवेट और खासकर बड़े अस्पतालों की ओर रुख तो कर लेता है, पर आम आदमी जिसकी सोच से परे है, मजदूरी पेशा करने वाले लोगों का खुदा या फिर मालिक ही मालिक है। पहले कोरोना की जांच मुफ्त की जाती थी, परंतु आज फीस निर्धारित की गई है। जो मरीज स्वयं को स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर देता है उसकी बीमारी लंबी खींच जाती है, और जो राम भरोसे दवा खा रहा है वह जल्द ही ठीक हो जाता है, क्योंकि अस्पताल की बजाय होम आइसोलेट मरीज जल्द ठीक हो रहे हैं। फिर सरकार पानी की तरह पैसा क्यों बहा रही है, और ये पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, किन लोगों की जेबें भरी जा रही हैं? सरकार को चाहिए कि इसका पता लगाया जाए। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट।